यहाँ पे एक चेरिश ओएस का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जो कि हमारे मी 11X डिवाइस के लिए है। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये रोम कैसा है, परफॉर्मेंस कस्टमाइजेशन और फीचर्स क्या क्या हमें ये प्रोवाइड करता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं इस रोम को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहे। यहाँ पे आप देखोगे कि चेरिश ओएस का वर्जन है 4.11 जो कि एक ऑफिशियल अपडेट है जहाँ पे एंड्रॉयड 13 देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगस्त 5 का सिक्योरिटी पैच है और रेड लाइन का कर्नल यहाँ पे यूज करा गया है। सिलोनेक्स आपको यहाँ पे इन्फोर्सिंग है जो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिस्टम जहाँ पे वही सारे जेस्चर्स, नेप बार, वन हैंडेड, लेफ्ट टू चेक, प्रेस एंड होल्ड, स्क्रीन शॉट और प्लेबैक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जेस्चर एनिमेशंस वगैरह आपको एंड्रॉयड 14 वाला देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही है। अनदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिक्योरिटी जहाँ पे फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, एप्स लॉक और डिवाइस आपको इनक्रिप्टेड मिलता है। और यहाँ पे इनक्रिप्शन स्पूफिंग आप इनेबल कर सकते हो अपने स्टोरेज के लिए। साथ साथ इनहेंस पिन प्राइवेसी आपको देखने को मिल जाता है, स्क्रैम्बल और क्विक अनलॉक वगैरह। और ये सारे सेटिंग मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखे हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। बैक क्यों आने के बाद आपको मिलता है साउंड का प्रोफाइल जहाँ पे मी साउंड इफेक्ट और क्लियर स्पीकर और बाकी अदर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे वाइब्रेट का पैटर्न भी आप सेट कर सकते हो। बैटरी के अंदर ये मिलता है प्रोफाइल जो कि आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा। बट मैं अक्सर आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि चेरिश ओएस में जब भी हम कोई भी टेस्ट करते हैं ना परफॉर्मेंस के लिए तो वो टेस्टिंग रिजल्ट अच्छा नहीं आता, लेकिन वहीं पर अगर हम फ़ोन को यूज करते हैं ना तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा फील होता है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है काफ़ी लंबे टाइम से और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ चेरिश ओएस की तरफ से। आई डोंट नो व्हाई, क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। बाकी यहाँ पे परसेंटेज फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, साइकिल वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे आपको जो बैटरी परसेंटेज चार्जिंग का वार्निंग भी आपको देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। सेम ऐप्स के अंदर आपको यहाँ पे गेम स्पेस और एक टास्क मोड आपको देखने को मिलेगा। और अनदर यहाँ पे डिस्प्ले जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिम, अडप्टिव ब्राइटनेस और साथ साथ यहाँ पे लॉक्स रिलेटेड ऑप्शन, डार्क मोड वगैरह, 120 इनेबल करने के ऑप्शन, यहाँ पे प्रिवेंट एक्सीडेंटल वेकअप और साथ साथ हाई टच कॉलिंग रेट, यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर मोड वगैरह, डेस्कटॉप के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, पर एफ रिफ्रेश रेट है और डीसी डिमिंग वगैरह भी है। तो यहाँ पे आप इसे इनेबल कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने कलर का चेंजिंग किया था और डीसी डिमिंग का, तो मुझे गेमिंग के टाइम थोड़ा डार्क साइड ज़्यादा देखने को मिल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर को थोड़ा नॉर्मल किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने भाई सब कुछ ऑफ किया, तब जाके मुझे गेमिंग थोड़ा सही लगा। और थोड़ा बहुत गेम प्ले भी मैं आपको दिखाऊंगा और कलर के बहुत सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि मुझे पसंद आया है। साथ साथ बैक आने के बाद चेरिश का खुद का कस्टमाइजेशन मिल जाता है जहाँ पे आप देखो स्टेटस बार में आपको मिल जाता है बैकग्राउंड क्लॉक के कई सारे चिप वगैरह जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसा भी चाहिए वैसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नेटवर्क, इंडक्टर, टाइम, एम, पीएम वगैरह कंबाइंड के ऑप्शन, एलटी, माइक, कलर नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। क्विक सेटिंग के अंदर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलता है हेडर इमेज का भी जो कि मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। तो वो चीज़ें आप यहाँ से जो बदल सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको इमेज कलेक्शन मिल जाते हैं। ऑटो ब्राइटनेस का बटन, यहाँ पे लेआउट भी आप चेंज कर सकते हो अपने हेडर का। अनदर यहाँ पे थीम के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, पहले वाले सारे चेंजिंग आपको यहाँ पे अभी भी देखने को मिल जाते हैं। विविध का ऑप्शन मिलता है, फॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, कीवेस का ऑप्शन मिल जाता है, आइकन का मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे सिग्नल का भी मिलता है जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी यूजेबल है, तो आप चेंज कर सकते हो। बटन के अंदर सिस्टम नेप बार, लेफ्ट टू चेक, पावर बटन और स्टेप काउंटर वगैरह, साथ साथ लॉक के अंदर आपको मिलता है डबल टैप टू स्लीप और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। रिफर इफेक्ट से यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और एरर पे वाइब्रेट आपका हो जाएगा। मीडिया कवर्ड आर्ट भी आपको मिल जाएगा। एनिमेशन में वही सिंपल सी चीज़ें हैं और लॉक के अंदर तो मैंने आपको शो कर ही दिया। पावर मेनू में आप क्या क्या एक्स्ट्रा रखना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। साथ साथ नोटिफिकेशन के अंदर आपको एज लाइट वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, री ट्रैकर वगैरह, टॉसअप आइकन और कॉलिंग से रिलेटेड आपको वाइब्रेट के फीचर्स मिलते हैं और किल ऐप का भी ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे इसके दो वर्जन अवेलेबल है, एक वनीला और एक आपका जो GF। तो मैंने इस पर वनीला ट्राई किया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे डिफरेंट डायलर देखने को मिला और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का बेनिफिट भी मिल जाता है। जबकि आप GF वाला वर्जन यूज करोगे तो वहाँ पे आपको गूगल का डायलर मिलेगा, तो कॉल रिकॉर्डिंग में आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। तो आप देख लेना कि आपके लिए कॉल रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं, उसके हिसाब से आप वनीला या फिर GF वर्जन यूज कर सकते हो। और वनीला के लिए आपको निक गैप यूज करना होगा ताकि आप उसे फ्लैश करके प्ले स्टोर का बेनिफिट ले पाओ। साथ साथ मिसलेनियस में आपको यहाँ पे लॉन्च म्यूजिक ऐप, ऑन हैंडसेट कनेक्शन, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग, स्मार्ट चार्जिंग,
हायर एफपीएस ये मेरा बीजीएमआई के अंदर काम नहीं कर रहा है, मैंने इनेबल किया बट कोई भी सेटिंग मुझे स्टार देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे ये फोटो स्टोरेज ये वर्किंग है, बाकी पार्सल स्क्रीनशॉट वगैरह आपको मिल जाता है और यहाँ पे अबाउट सेशन वगैरह, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज इस बार नहीं आया। लेकिन यहाँ पे कई सारे MIUI सिस्टम ऐप यहाँ पे अपडेट किए गए हैं जो कि आपको पसंद आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है लाइका का और ये आपका प्रॉपर काम कर रहा है, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली, हर एक ऑप्शन मुझे वर्किंग देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे हम बैक आते हैं तो आपको MIUI का गैलरी देखने को मिल जाता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करा गया है, और ये एडवांस वाला गैलरी है क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि AI और Beautify वगैरह के भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे लाइका वाला फ्रेमिंग है ना वो सब कुछ भी आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे पसंद आया कि भाई कैमरा और साथ साथ गैलरी दोनों को ऐड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो मी वीडियो है ना प्लेयर वो भी यहाँ पे दे दिया गया है, तो आपको थर्ड पार्टी प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप चाहो तो यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी होगी। और अनदर यहाँ पे आपको मी साउंड इफेक्ट के अलावा डॉल्वी भी दिया गया है, तो आपका जो ऑडियो आउटपुट का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो ये पसंद आएगा आपको। साथ साथ UI काफ़ी मुझे स्मूथ देखने को मिला है, और यहाँ पे ये वनीला वर्जन है, आप चाहो तो GS वर्जन के साथ भी जा सकते हो। और रही बात यहाँ पे डिवाइस हमारा सर्टिफाइड रहता है या नहीं, तो अभी मैंने इसका डेटा क्लीन किया था, अभी तक ये अपडेट ही नहीं हुआ है, आई डोंट नो वाई, कितना टाइम लेगा भाई अपडेट होने में समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे डिवाइस सर्टिफाइड देखने को नहीं मिला इस वनीला रोम के अंदर, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने डेटा क्लीन किया, बट अब अपडेट हो तब तो मैं आपको श्योर दिखा पाऊँ कि क्या है क्या नहीं। और बाय डिफॉल्ट वनीला वाले रोम के अंदर इतने ही एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं जिसमें से प्ले स्टोर अलग से निक गैप डालने के बाद आता है। साथ ही साथ ये है हमारा अनटूटू स्कोर जो कि इसे 80 के आसपास जाना चाहिए, बट कस्टमरों में समटाइम डाउनसाइड रहता है, तो मैं कहूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद गीकबेंच यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, टॉप नोच में कहूँगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि इस पे जब भी आप कोई भी चीज़ टेस्टिंग करते हो ना तो रिजल्ट थोड़े अजीब से आते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है CPU टोटल के साथ, जहाँ पे आप देखो कितना डाउनसाइड यहाँ पे रिजल्ट देखने को आया है, जबकि वहाँ पे गेम प्ले में आपको फील ही नहीं हुआ कि भाई इस रिजल्ट के हिसाब से गेमिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 870 और वो चीज़ आपको गेमिंग में नजर आती है, बट जब CPU टोटल टेस्ट करते हो तो वहाँ पे ये दिखता ही नहीं है। आई डोंट नो क्या लोचा चल रहा है CherryOS का, एक लंबे टाइम से हर एक डिवाइस के अंदर सोर्स के टाइप से ही कुछ इशूज है जो कि आज तक सॉल्व नहीं हुआ। आई थिंक ये लोग करना ही नहीं चाह रहे होंगे, या फिर इनको पता नहीं होगा, या फिर चल रहा है तो चल रहा है, जो कुछ भी हो लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 61 के बाद यहाँ पे आता है 59, जहाँ पे आप देखो कि 8 आवर्स का स्टैंड बाई टाइमिंग है और 2% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि मैं कहूँगा कि ठीक है, कोई ज़्यादा ड्रेन नहीं है। अनदर मैंने कैमरा वगैरह चेक किया था, उसमें कोई शिकायत मुझे देखने को नहीं मिली, और जैसे कि मैंने कहा कि गेमिंग में कोई एक्स्ट्रा सेटिंग मुझे देखने को नहीं मिला जो कि स्पेशली BGMI से रिलेटेड है, तो डिफॉल्ट ही आपका रहता है। और रही बात गेम प्ले, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके बाद ये वॉलपेपर चाहिए था को मेरे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, और जैसे कि मैंने कहा ना कि डिवाइस सर्टिफाइड नहीं था तो मैंने डेटा क्लीन कर रखा है ताकि वो अपडेट हो और नजर आए, और फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक देखने को मिलता है। अब थोड़ा आते हैं प्ले स्टोर पे, देखते हैं अपडेट हुआ या नहीं, या अभी भी ये नाटक ही कर रहा है, तो भाई अभी तक अपडेट नहीं हुआ, कितना टाइम लेगा भाई। तो भाई पता नहीं प्ले स्टोर का क्या लफड़ा है, अपडेट नहीं हो रहा है, बट मैं एडिटिंग के टाइम में आपको जो मेंशन कर दूंगा इसका स्क्रीनशॉट या डिटेल वगैरह कि ये आपका सर्टिफाइड है या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे ये सर्टिफाइड देखने को नहीं मिला था। अब मैंने बहुत ट्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, इतना टाइम तो लगता नहीं है इसे अपडेट होने में, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं आपको जो मेंशन कर दूंगा लास्ट टाइम पे, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही सा था। और रही बात ये रोम रिकमेंडेड है या नहीं, तो भाई मैंने जितना यूज किया उसके हिसाब से मुझे रोम काफ़ी तक सही लगा, लेकिन जो टेस्ट रिजल्ट है वो उतने अच्छे नहीं है, तो ये डिसीजन आपके ऊपर रहता है कि आप इसे ट्राई करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ओपिनियन यही आता है इस रोम के बारे में कि रोम काफ़ी अच्छा है और एक दो दिनों के बाद इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलता है लाइका कैमरा, गैलरी, मी वीडियो, डॉल्वी, मी साउंड इफेक्ट और ह्यूज कस्टमाइजेशन वगैरह, जो कि आपको पसंद आएगा। तो ट्राई करो आप, और कमेंट करना कि आप अगर इसे यूज कर रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है इस रोम को यूज करने के बाद, कमेंट जरूर करना ताकि बाकी यूजर्स को भी है जो इससे रिलेटेड हेल्प मिल सके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।